Welcome to my channel. My name is Seema and I make videos on affordable fashion, beauty and skincare. Today I am back with a Lulu and Sky bags haul. So I have काफी सारे bags मंगवाए हैं वहाँ से. So without any further ado, let's get started. तो ना अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मैंने एड देखी थी लुलू एंड स्काई की एंड दे सेल लाइक 90% ऑफ ऑन बैग्स दिवाली सेल समथिंग लाइक दैट वाज गोइंग ऑन एंड आई जस्ट गॉट टेम्पटेड टू चेक इट आउट एंड इतने कम प्राइसेस में वो लोग बैग्स दे रहे थे लाइक इन द रेंज ऑफ 300, 350, 400 ह्यूज वैरायटी ऑफ बैग्स. सो आई वाज लाइक यार दे आर लुकिंग सो क्यूट एंड सच चीप प्राइसेस, यू नो, लेट्स जस्ट गेट देम ऑल काइंड ऑफ थिंग. वेल, नॉट ऑल ऑफ कोर्स, बट आई एंडेड अप पिकिंग अप 8 बैग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I think this is like the biggest disappointment. So yeah, just look at this. This is not a bag as such. This is like a wallet. I mean, if you compare it with the picture, like what is this? This is like a half strap. This is not even like a full strap. मैं सब कहाँ लगाऊँ कि ये बच्चे का बैग है, कि ये कॉइन पर्स है, कि क्या है? Like really, this is not a bag. This is not even gonna, actually this will fit a lipstick, but that's that. Maybe some cash in lipstick is what's gonna fit in it. But really disappointed by this, yaar. Ye shayad 300 ka ya 400 ka range mein ho, but it's a really really bad purchase and something that I'm totally disappointed with. So next maine golden bangle laya tha. Kuch bhi kehlo, packing achhi karke deta hai ye log. ये वाला बैग बड़ा सुंदर लग रहा है मेरे को. इसका साइज बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा शिमरी सा बैग है. एंड ये जो बैग है ना यार, इसमें काफ़ी सामान भी आ जाएगा आपका. क्वालिटी सी काफ़ी स्टर्डी लग रही है. गोल्डन ही चेन है इसकी, गोल्डन ही है इसकी बॉडी भी है पूरी की पूरी. ये मैं इंडियन आउटफिट्स के साथ भी पहन सकती हूँ, वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी. सो यू नो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दीज थिंग्स दैट यू कैन यूज इन अ मल्टीट्यूड ऑफ वेज एंड दिस इज वन ऑफ देम. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट मे नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल. सो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग, इफ इट लास्ट दैट लॉन्ग दैट इज. बट येस, दीज कैन ऑफ स्टाइल्स नेवर गो आउट ऑफ फैशन. So yes, this is a very very nice bag. यार खोल के देखते हैं इसको. अंदर पॉकेट नहीं है डेफिनेटली इसमें, बट यार इट डजेंट मैटर. आई मीन ये पार्टी वेयर काइंड ऑफ अ बैग है एंड पार्टी में आप कितना सारा सामान लेके जाओगे, थोड़ा बहुत ही लेके जाते हो तो वो सब तो उसमें डेफिनेटली फिट आ जाएगा. पॉकेट्स के सच मुझे नीट भी फील नहीं हो रही. तो जिस प्राइस में मैंने इसको लिया है उस हिसाब से इट इज़ वेरी वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी. आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको पॉकेट्स का इशू नहीं है तो. उसके अलावा ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है गाइस एंड मेरे को तो बहुत ही पसंद आया. सो आई एम गोना बी कीपिंग इट एंड कैरिंग इट एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. सो नेक्स्ट मैंने ये हॉट पिंक कलर का बैग मंगवाया है. अब ये बैग काफ़ी प्रिटी आया है, देखने में तो काफ़ी सुंदर है. इसकी गोल्डन थिक चेन है जो काफ़ी स्टर्डी लग रही है. क्वालिटी वाइज अगर मैं इस बैग की बात करूँ तो इट्स नॉट लाइक द बेस्ट ऑफ क्वालिटी. आप बोलोगे कि ओ माय गॉड अमेजिंग स्टर्डी काइंड ऑफ अ बैग और समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है. बट इट्स फेयरली डिसेंट फॉर द प्राइस पेड फॉर इट एंड इट इज़ अ ट्रेंडी पीस. ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लंबे टाइम तक कैरी करने वाली हूँ और समथिंग लाइक दैट. तो ट्रेंड के हिसाब से तो ये सही है, ज़्यादा ना भी चले तो यार कुछ टाइम तक कैरी करके यू कैन ऑलवेज गिव इट ऑफ टू समबडी एल्स. साइज वाइज इट इज़ लाइक टूवर्ड्स मे बी स्मॉल से मीडियम के बीच का साइज है इसका, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है यहाँ से ना, इसकी विड्थ ज़्यादा है तो इसमें सामान भी आप काफ़ी अच्छे से फिट कर पाओगे. इसमें बेसिक आपका वो वॉलेट भी आ जाएगा आपका, इसमें लिपस्टिक, कैश, कीज़, ये सब कुछ आ जाएगा. उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ आएगा नहीं. इसमें एक छोटी सी पॉकेट दे रखी है आपके कैश वगैरह के लिए, अगर कुछ वैल्यूबल्स आपने इसमें डालने हों तो. तो ओवरऑल ये यहाँ से बटन इसका क्लोजर है एंड ये क्विल्टेड काइंड ऑफ लुक जो है ओवरऑल देता है. तो अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो तो इसको कंसिडर कर सकते हो. वैल्यू फॉर मनी परचेज तो है, बट ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ अ चीज़ नहीं है. तो आप अपने हिसाब से अपना माइंड बना सकते हो. सो नेक्स्ट अप है ये ज़िब्रा प्रिंट बैग. अभी इसका ना कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा. यूजुअली इफ यू सी अ ज़िब्रा प्रिंट बैग इट्स गोना बी लाइक ब्लैक एंड वाइट कलर, बट दिस इज ब्लैक, वाइट एंड ऑल्सो ब्राउन, which makes it something, you know, quite different and versatile that will match with a lot of your outfits. Like अभी जो मैंने outfit पहना है which is a leopard print dress, I think I even carry it with this like a print on print kind of a thing, because इसमें brown and इसमें भी brown है तो kind of जाएगा. एंड या तो ये काफ़ी चीज़ों के साथ में आपका मैच करेगा. एक और चीज़ पता है इसके बारे में मैंने क्या रियलाइज़ करी थी कि ये यहाँ से तो इट केम अराउंड इन द रेंज ऑफ 450-500 के बीच की प्राइस थी. ये सेम बैग जो है देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड हॉट सॉस, दे आर सेलिंग इट ऑन मिंत्रा एंड आजियो. आई डोंट रिमेंबर द प्राइस ऑन मिंत्रा, बट ऑन आजियो दे वर सेलिंग इट फॉर लाइक 1200 रुपीज. सो यू नो 450-1200, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द प्राइस. सो डेफिनेटली प्राइस के हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. इनफैक्ट अगर ये 800-900
थाउजेंड का भी होता तो आराम से आप इस पर स्पेंड कर सकते हो बिकॉज यू आर गेटिंग मोर देन व्हाट यू आर पेइंग बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड यू नो क्वालिटी बैग आई वुड से. साइज वाइज भी काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी चीज़ें आपकी इसमें फिट आ जाएंगी. एंड ये जिप हम खोल के देखते हैं, एक्चुअली मैंने अंदर देखा ही नहीं अभी तक इसको. तो या इसमें भी एक्चुअली पॉकेट नहीं है, आई डोंट नो व्हाई दे आर सेंडिंग बैग्स जिसमें पॉकेट्स नहीं है, बट चलो ठीक है, प्राइस भी बेचारे चार्ज ज़्यादा कर नहीं रहे हैं तो क्या ही बोलोगे, सब कुछ तो नहीं मिलता हर किसी को. सो यस, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड बैग, वेरी ट्रेंडी बैग, वेरी फैशनेबल, वेरी शीक. इट विल मैच विद अ लॉट ऑफ योर आउटफिट्स एंड हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय एंड. इट इज़ अ गुड वैल्यू फॉर माय परचेज. So my next purchase is this beautiful golden blingy bag. For some reason of late I've developed such a fascination for bling it, anything blingy. I mean just give it to me and I'm going to be buying it if I can afford it, that is. But anyways, coming back to the bag, just look at this. It is such a beautiful bag. Bahut hi blingy sa acha sa color hai. In fact it's not just golden, you know, thoda bronzish si look de raha hai. और इसमें थोड़ा सा ब्लैक भी हिंट आ रहा है फॉर सम रीज़न. यहाँ पे इसका छोटा सा हैंडल सा दे रखा है एंड इसके साथ में ना इनकी बेल्ट भी दी है इन्होंने, इसके साथ में स्लिंग जो होता है. बट आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस स्लिंग, लाइक आई डोंट रियली लाइक दिस काइंड ऑफ स्लिंग. सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग वन ऑफ माई ओन चेन स्लिंग्स. आई थिंक दैट वुड लुक मच बेटर विद दिस. बट अगर आपको ये पसंद आता है तो आप डेफिनेटली इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो. एंड लाइक ऑल द बैग्स, इसमें भी कोई पॉकेट नहीं है, बट ये पार्टी वेयर है, एक दो चीज़ें रख के चले जाएंगे यार और क्या. बहुत दिखने में सुंदर है, बहुत सारी चीज़ों के साथ ही डेफिनेटली मैच करने वाला है, स्टेटमेंट पीस है. यू विल डेफिनेटली स्टैंड आउट इफ यू कैरी दिस बैग. बहुत सारे लोगों के पास शायद देखने को नहीं मिलेगा ये, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी, मैं वैल्यू फॉर मनी इतना ज़्यादा बोल चुकी हूँ इस वीडियो में, बट डेफिनेटली यार इतने सस्ते बैग से तो जो अच्छा लग रहा है वो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी तो है ही. इस प्राइस में आई डोंट थिंक ये आपको ईजिली मिलेगा. तो येस, ये बहुत अच्छा परचेज है, आप इसको डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं अपकमिंग फेस्टिव सीजन में, वेडिंग सीजन में, न्यू ईयर, वैलेंटाइंस डे, क्रिसमस पार्टी, हर जगह यूज कर पाओगे यार, बिना सोचे ले सकते हो. नेक्स्ट ये ना कैमल कलर का बैग है, ये बड़ा क्यूट सा बैग है. इस पर यहाँ फर की एक्सेंट्स दे रखी हैं एजेस पे, बॉर्डर्स पे, सब जगह पे. ये काइंड ऑफ मीडियम साइज बैग है, तो डेफिनेटली आप इसको यू नो कॉलेज ऑफिस वगैरह में कैरी कर सकते हो. आपको ज़्यादा बुक्स या इस टाइप की चीज़ें नहीं लेके जानी है. इसमें टैप वगैरह भी आपका फिट आ जाएगा आराम से. अगेन लाइक ऑल दी बैग्स आर ऑर्डर्ड, यहाँ पे तो बटन क्लोजर है बट देर इज़ नो पॉकेट इन दिस बैग एज वेल. बट येस, अगेन वैल्यू फॉर मनी तो है ही. ये बैग देखने में काफ़ी सुंदर है, काफ़ी चीज़ों के साथ मैच करेगा. दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरी वर्सेटाइल कलर, ऑफकोर्स मैचेज विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली इन द विंटर सीजन. इस टाइप के बूट्स भी काफ़ी लोग रखते हैं अपने पास में, तो ये उनके साथ भी काफ़ी अच्छे से आपके आउटफिट्स को कम्प्लीट करेगा. तो मेरी तरफ से तो बिग थम्स अप है इस बैग को, वेरी वेरी क्यूट बैग दिस इज. सो नेक्स्ट आई हैव दिस ग्रीन बैग यू गाइस. And you know, for some reason on the picture I anticipated to be a little bigger. Like मुझे लग रहा था कि इतने size का होगा कम से कम, ना यहाँ तक इतना बड़ा, यानी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा. Nonetheless, it is a small bag, but it is a pretty bag. तो bag देखने में तो काफ़ी सुंदर है. इसका जो ये handle है छोटा सा, ये बड़ा cute सी pearls वाला handle दे रखा है इन्होंने. And color भी green आजकल तो काफ़ी trend में है, एंड काफ़ी सारी चीज़ों के साथ पता नहीं for some reason मेरा तो बहुत match करता है. I never thought कि green would you know match with most of my outfits, but for some reason it is. So yes, definitely, I mean if you're also looking for something like this, you can go ahead with it. Size mein ye chota hai to ye aapke bahut sara saman fit nahi kar payega, maybe phone ya thoda sa cash and you know some makeup or something like that, usse zyada kuch nahi aayega. And I think this is more of an occasion you know carry bag kind of a thing. Ye aisa nahi hai ki aap day to day movies mall wagera mein pehen ke chale jaoge. So I think kisi dressy occasion pe aap pehen ke jaoge to wahi pe zyada iska purpose jo hai solve hoga. अंदर से इसके साथ में इन्होंने ये बेल्ट दी हुई है कैरी करने के लिए, बट आई स्टिल थिंक दैट यू नो द हाईलाइट ऑफ दिस बैग इज दिस पर्ल हैंडल, तो इसके साथ में कैरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो यस, ओवरऑल ये आपकी मर्जी, आप लेना चाहोगे कि नहीं. आई एम नॉट टू हैप्पी विद इट, आई एम नॉट टू डिसअपॉइंटेड विद इट, इट्स जस्ट अबाउट ओके फॉर मी. बट इफ इट सर्व्स योर पर्पज यू कैन गो अहेड विद इट, बिकॉज क्वालिटी वाइज अच्छा है, प्राइस वाइज काफ़ी रीजनेबल है. तो अगर आप यू नो आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई ओकेजन है जहाँ आप इसको कैरी कर सकते हो, तो आप उस हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते. सो ये जो नेक्स्ट बैग मैंने मंगवाया है, इसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, इसमें काफ़ी सारा सामान जो है मेरा रखा हुआ है. सो दिस इज़ लाइक अ बिग यू नो काइंड ऑफ टोट बैग काइंड ऑफ थिंग, बट इट्स लाइक इन कैनवस, ब्लैक एंड वाइट कलर में है, चेक्ड इसका प्रिंट है. इसके साथ में ये एक कुछ मिला है टाई करने के लिए जिसपे लिखा है फैशन.
अब क्या है ना, इसको मैंने स्पेशली ऑफिस पर्पस के लिए मंगवाया है. यू नो आई ऑलवेज नीड लाइक वन बैग फॉर द ऑफिस इन व्हिच आई कैन जस्ट स्टफ एवरीथिंग, एंड फिर मैं उस बैग को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करती हूँ जब तक उसकी बिल्कुल हालत ख़राब नहीं हो जाती, मैंने थ्रो इट अवे. सो येस दिस इज़ फॉर दैट पर्पज, बट नन द लेस आई विल ऑफ कोर्स बी कैरिंग इट फॉर शॉपिंग ट्रिप्स एंड थिंग्स लाइक दैट. या फिर कभी ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा चीज़ें की यू नो जरूरत पड़ जाती है, सो आई कैन कैरी इट देयर एज वेल. क्वालिटी वाइज ये काफ़ी डिसेंट है, इसमें पॉकेट्स वगैरह नहीं है बट जिपर क्लोजर है इसका ना, यहाँ से जिप दे रखी है, इसको इसे बंद कर सकते हो. तो ओवरऑल आई थिंक इसको आप वॉश भी कर पाओगे, तो अगर ये गंदा भी हो गया तो यू नो इट्स नॉट लाइक द अदर बैग्स, आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो ये अच्छे से वॉश भी हो जाएगा. तो यस, मनी के हिसाब से 465-470 समथिंग एट दैट में तो ये काफ़ी अच्छा परचेज मुझे लगा, मैं इसको काफ़ी यूज़ करने वाली हूँ. तो अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो कॉलेज ऑफिस पर्पज़ के लिए या ट्रैवल पर्पज़ के लिए, उसके लिए परफेक्ट रहेगा, उसके अलावा मे बी नॉट, यू नो. सो जस्ट मेक योर वाइज चॉइस. So that's it for today's video, you guys. I hope you guys liked it and found it helpful. If you did, please do subscribe to my channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update that I post out. And also one more thing, yeah, because I make most of these haul videos, so ye jo products hain kafi jaldi out of stock ho jate hain, to aap bell icon hit karoge to there's a chance ki aapko jaldi se notification mil jayega aur aapko kuch khareedna ho to aap usi time jaake le sakte ho. So yes, that's also another benefit of pressing the bell icon. So yes, until next time, bye bye. I'll be back very very soon.